नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुमार्स व्लॉग यूट्यूब चैनल। बंजारन फिल्म शूटिंग लोकेशन के फोर्थ पार्ट के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बंजारन फिल्म की बेहद खास लोकेशन आपको दिखाने वाला हूं। तो आज मैं पहुंचा हूं जयपुर के रामगढ़ लेक, यहां पे शूटिंग हुई है बंजारन फिल्म की। तो अगर आपने फिल्म देखी हो तो फिल्म के अंदर कुछ सीन ऐसे आते हैं जिसके अंदर फिल्म में श्रीदेवी और ऋषि कपूर आपस में बिछड़ जाते हैं, और इसके बाद ऋषि कपूर श्रीदेवी को जगह जगह ढूंढते रहते हैं। और कुछ सीन ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर ऋषि कपूर एक रास्ते से होकर गुजरते रहते हैं, और उन्हें एक जगह जो बंजारों की एक महिला होती है फिल्म के अंदर, उसका शायद अंबिका नाम रहता है, तो वो उन्हें मिलती है और ऋषि कपूर उससे पूछते हैं श्रीदेवी के बारे में, यानी कि फिल्म में श्रीदेवी का रेशमा नाम रहता है, तो रेशमा के बारे में पूछते हैं कि रेशमा कहाँ है, मुझे रेशमा से मिलना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ सीन होते हैं फिल्म के अंदर। तो एक मंदिर का सीन दिखाया गया है और एक बांध की गुंबद का सीन दिखाया गया है। आज मैं उस लोकेशन के ऊपर पहुँच चुका हूँ, और ये जो सीन शूट किए गए हैं फिल्म के अंदर, ये जयपुर के रामगढ़ लेक से शूट किए गए हैं। बेहद खूबसूरत लोकेशन है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिल्म की ये लोकेशन भी आपको दिखाऊंगा, और जो रामगढ़ लेक है ये भी आपको विजिट करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है रामगढ़ बांध जहाँ से बंजारन फिल्म के कुछ सीन शूट किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये लोकेशन विज़िट करवाता हूँ, उसके बाद हम स्क्रीनशॉट लगा के वो सीन देखेंगे जो फिल्म के अंदर यहाँ से दिखाए गए हैं। तो देखिए, रामगढ़ बांध का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। ये चारों तरफ ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, और बीच में ये बहुत दूर तक खाली जगह है जहाँ पर पहले बहुत सा पानी स्टोर हुआ करता था, क्योंकि ये बांध है तो यहाँ पर बहुत सा पानी स्टोर होता था पहले इन पहाड़ों के बीच में, ठीक है। और ये देखिए, ये बांध की वो गुंबद है, और ये देखिए, ये मोटे मोटे ये पाइप लगे हुए हैं, फिल्टर लगे हुए हैं जो कि पानी को खींचते थे, ठीक है। पहले यहाँ पे बहुत सा पानी भरा हुआ रहता था, बिल्कुल अभी बिल्कुल भी पानी नहीं है अब इस बांध के अंदर। छोटे मोटे पौधे इस बांध के अंदर उग चुके हैं, ठीक है। और देखिए, ये मोटे मोटे ये पाइप यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि इस बांध से कनेक्टेड हैं और शहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शहर में पहले इनसे पानी सप्लाई होता था। तो ये मोटे मोटे पाइप यहाँ पे लगे हुए हैं अभी भी, ठीक है। इस रास्ते से होते हुए हम आए हैं जयपुर से, ठीक है। यहाँ पर रोड जा रही है, अभी हम थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं। और फिल्म में जिस मंदिर का सीन दिखाया गया है ना, वो देखिए, ये इधर वो मंदिर बना हुआ है जिस मंदिर का सीन दिखाया गया है, ठीक है। तो अभी हम इन सीढ़ियों से होते हुए नीचे चलते हैं। तो ये देखो, बांध की वो गुंबद है और ये बिल्कुल खाली जगह है, और अभी हम उस मंदिर की तरफ चल रहे हैं क्योंकि जो सीन है वो उधर से ही शूट किए गए हैं फिल्म के अंदर। तो दोस्तों, अभी हम उस मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं जिस मंदिर का सीन फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो ये है वो मंदिर, और ये मंदिर देखिए कहाँ पर बना हुआ है। ये लोकेशन आप देख सकते हैं सबसे पहले, ये देखिए, यहाँ पे ये झाड़ियाँ, ये जंगल है, और ये बीच में ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है। मंदिर देखने में बेहद पुराना लगता है। तो अभी हम इस मंदिर के पास में पहुँच चुके हैं। मंदिर का नज़ारा मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब आप इसकी बनावट देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना ये मंदिर है। और फिलहाल तो देखिए, ये मंदिर बंद है, ताला लगा हुआ है इस मंदिर के, लेकिन शिव मंदिर है ये। तो अभी देखिए, मैं आपको मंदिर का चारों तरफ से नज़ारा दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मंदिर का
कुछ इस प्रकार से नज़र आया। खूब पुराना है ये मंदिर। तो दोस्तों फिल्म में जो सीन दिखाया गया है ना, वो कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे मंदिर के पीछे वो अंबिका रहती है और ऋषि कपूर उन्हें आवाज़ लगाते हैं रेशमा का पता पूछने के लिए। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट मैच कर सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। फिल्म का वो सीन यहाँ से दिखाया गया है। देखिए मंदिर का नज़ारा आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। और इस बांध की जो ये गुंबद है, देखिए इसे भी आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। तो फिल्म का वो सीन यहाँ से दिखाया गया है। और इसके बाद ऋषि कपूर उनके पास में आते हैं और श्रीदेवी के बारे में पूछते हैं, यानी कि फिल्म में रेशमा के बारे में पूछते हैं। तो फिल्म का वो सीन भी यहीं से दिखाया गया है। यहीं पे ऋषि कपूर खड़े रहते हैं मंदिर के पीछे, आप स्क्रीनशॉट मैच कर सकते हैं उसी प्रकार से। फिल्म का वो सीन यहाँ से दिखाया गया है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जो बांध की ये गुंबद है इसका उसी प्रकार से नज़ारा दिख रहा है। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं ऋषि कपूर के पीछे इस गुंबद का नज़ारा दिख रहा है, तो आप मैच कर सकते हैं। और देखिए पहाड़ भी उसी प्रकार से हैं, जो पहाड़ की जो ये डिज़ाइन है ना, आप उसी प्रकार से देख सकते हैं। और अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पे पहले इस बांध के अंदर पानी भरा हुआ रहता था। अभी तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, लेकिन पहले इसके अंदर बहुत सा पानी भरा हुआ रहता था। आप स्क्रीनशॉट के अंदर भी देख सकते हैं, समथिंग 30 साल पहले जब यहाँ पे शूटिंग हुई थी तो उस टाइम में इस बांध के अंदर पानी भरा हुआ था। ठीक है, उधर आप देख सकते हैं इस जगह इस बांध के अंदर पानी भरा हुआ था। और ये नज़ारा हमें फिल्म के अंदर देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं उसी प्रकार से। फिल्म के एक सीन में दोस्तों कैमरा एंगल यहाँ से किया गया था। देखिए दिखता तो मंदिर का ही नज़ारा है, लेकिन कैमरा एंगल कुछ इस प्रकार से किया जाता है। फिल्म में जब ऋषि कपूर अंबिका से रेशमा के बारे में पूछते हैं, तो वो जो सीन है ना फिल्म का, वो यहीं से शूट किया गया था, इस मंदिर के पीछे से ही। और यहीं पे वो डायलॉग होता है जिसके अंदर फिल्म में जो अंबिका होती है वो कुंवर साहब को बोलती है कि बंजारों की भी कुछ मान मर्यादाएँ होती है, तो वो जो सीन है फिल्म का वो यहीं से शूट किया गया है। देखिए इस सीन के अंदर मंदिर का नज़ारा तो दिखता ही है, और पीछे पहाड़ का भी नज़ारा दिख रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, इस पेड़ की वजह से उस पहाड़ का नज़ारा दिख नहीं पा रहा है। तो अभी मैं आपको देखिए वो पहाड़ भी मैच करवा के दिखा देता हूँ। और देखिए जब यहाँ पे उस टाइम में जो पानी भरा हुआ था, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी भी उसी प्रकार से यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता तो कितना अच्छा लगता। देखिए ये जो सामने आप पहाड़ आप देख पा रहे हैं ना, इस पहाड़ का नज़ारा दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। और इस बांध के अंदर बहुत सा पानी भरा हुआ था उस टाइम में। दोस्तों बांध की ये गुंबद है और इस प्रकार से ये रामगढ़ बांध का नज़ारा है। और मैंने अभी आपको बताया था अभी यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो ये जो इसका ये सिस्टम है ये बिल्कुल अभी ख़राब हो चुका है। ये देखिए ये मोटे मोटे ये पाइप हैं जो पानी को शहर में सप्लाई करते थे। अभी तो यहाँ का नज़ारा देखिए कुछ इस प्रकार से है, बिल्कुल ये देखिए ख़राब हो चुके हैं। ये देखिए पाइप इस प्रकार से बिखरे हुए पड़े हैं यहाँ पे, ये देखो। फिर तो नहीं, बंदर देखिए यहाँ पे बहुत से बंदर है, क्योंकि इनको खाने को मिलता है यहाँ पे। ये देखिए ये चक्रियाँ लगी हुई है। ये देखिए इस प्रकार से बिखरे हुए पड़े हैं यहाँ पे, इसके जो पार्ट्स हैं वो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे बिखरे हुए पड़े हैं। देखो ये देखिए ये पाइप वगैरह, अभी दोस्तों फिलहाल अभी हम उधर चलेंगे और वहां से भी कुछ जो नज़ारा देखने को मिलता है ना, वो हम वहां पे चल के देखते हैं एक बार।
ये बांध का नज़ारा है। अभी दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे भी देखिए ये इसी प्रकार से ये जो पार्ट्स हैं पाइप वगैरह इस बांध के वो इस प्रकार से यहाँ पे बिखरे हुए पड़े हैं। ठीक है, बंदर बहुत से हैं यहाँ पे। ये देखिए ये पाइप, ये देखो, और नज़ारा तो देखिए ये देखने लायक है। ये इस चक्री के ऊपर बैठे हैं बंदर बहुत से छोटे छोटे। हाय, तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं अभी। तो फाइनली दोस्तों अभी हम यहाँ पे ऊपर पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो रामगढ़ बांध का नज़ारा है ना वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए ये वो गुंबद है बड़ी सी और ये पूरा रामगढ़ बांध का नज़ारा है। ठीक है, तो ये जयपुर से रोड आ रही है, इधर से होते हुए हम आए हैं। और अगर आप इस रोड से अगर आप सीधे जाते हैं तो वहाँ पर आगे एक मंदिर है जमवाय माता का मंदिर, तो अगर आप यहाँ पे कभी आते हैं तो जमवाय माता मंदिर के भी दर्शन करके जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस गुंबद के पास में भी चलने वाले हैं। इस गुंबद के सामने से ये रास्ता जा रहा है, उधर से हम चलेंगे अभी। ठीक है, और अभी जो हमने जो वीडियो शूट किया था वो वहाँ पे नीचे से शूट किया था। जो मंदिर है वो इधर बना हुआ है वो मंदिर। ठीक है, और देखिए बांध के सामने ये मेंटेनेंस की जगह है। अभी यहाँ पे हमारे को एक अंकल जी मिले थे, उनसे बात करते हैं। देखिए और नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये मोटर है, बड़ी बड़ी मोटरें हैं यहाँ पे, और ये अंकल जी है। अंकल जी क्या नाम है आपका? रामदयाल। क्या नाम है? रामदयाल जी। हाँ, ये पकड़ लो। तो आप यहाँ पे ही रहते हो? नहीं यार, ड्यूटी है। हाँ, सरकारी कर्मचारी हूँ। तो ये जैसे ये क्या है, इनके बारे में बताओ। देखे रामगढ़ भी बांध के ये मोटरें हैं, बहुत पुरानी मोटरें हैं। हाँ। ज़्यादा भी नहीं तो 50-60 साल पुरानी मोटरें हैं। अच्छा। ये इन मोटरों से जयपुर खोड़े के हनुमान जी पानी जाता था डायरेक्ट, मतलब पूरा जयपुर को। हाँ, और पूरे जयपुर की सप्लाई थी यहाँ रामगढ़ बांध से। हाँ। और देखें ये इधर ये इनके बिजली के हैं, इनके स्टार्टर वगैरह, ये सारे स्टार्टर हैं इनके। जितनी भी ये मोटरें हैं इनके स्टार्टर हैं। ये ऊपर चैन पुली है, ये मोटरें सब इससे चैन पुली से उठती हैं। और जैसे रामगढ़ बांध में कितने सालों पहले पानी भरा हो रहा था? इसमें पानी 90 के बाद भी तक पानी था, और 90 के बाद भी मतलब थोड़ा थोड़ा सूखता ही आया ही है। उससे पहले इसका ये जो नीचे का पींदा भी नहीं दिखाई देता था। चलो देखिए बाहर चलो, बाहर चल जाता। आओ आगे, वहाँ से सही। तो इसका जो ये पींदा दिखाई दे रहा है वो कई वर्षों से काफ़ी लोग बाग देखने को तरसते थे भाई, कभी खाली भी देखेंगे। अच्छा, पूरा भरा हुआ रहता था? हाँ, ये फुल भरा हुआ रहता था। उधर शिव जी का मंदिर है। हाँ, वो शिव जी का मंदिर, तो वो पूरा डूबा हुआ था उसके ऊपर। हाँ, पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ था, उसके ऊपर लाइट का जो लगाया गया था, लाइट लगाने के लिए वो ही दिखाई देता था, और पूरे में पानी था। यहाँ से ठेठ डूंगर तक, डूंगर के वास तक पानी था। इतना पानी रहता था? हाँ, पूरे इधर से वहाँ डूंगर के पानी अट जाता था। अच्छा। नीचे डूंगर के नीचे तक पानी था। तो अब ये जैसे पानी इसमें क्यों नहीं आता है, ऐसा कुछ रीजन? अब वैसे पहले तो पहले जैसी बारिश है नहीं है। हाँ। फिर गीला सूख गया, और जैसे पानी जगह जगह रोड भी देते और ना? फिर जगह जगह क्या है, पहले तो क्या था, जैसे ज़मीनें खातादारी थी लोगों की। हाँ। जिन लोगों की ज़मीनें खातादारी थी वो नलों में टीलों में ये थी। हाँ।
आज वो ज़मीनें साफ हो गई तो पानी की जगह जगह रोक हो गई, कुछ एनीकट बन गए रास्ते में। एनीकट तो साइड में बने हुए हैं, रास्ते में तो बहुत कम है। बाकी जो खाताधारी ज़मीनें थी टीलों में नलों में, तो वो साफ होने के कारण ज़्यादा रास्ता वैसे रुक गया पानी का, जगह जगह पानी की रोक हो गई, इसलिए पानी भराव का नहीं आ पाता है। और यहाँ पे जैसे बॉलीवुड की फिल्मों की भी यहाँ पे शूटिंग होती है। हाँ, ये बंजारन की फिल्म की शूटिंग हुई है, वो उधर मंदिर आपने बताया अभी वो। हाँ, ये मंदिर फिल्म तो ये तो पता नहीं है भाई, बंजारन की भी यही हुई है, बाकी काफ़ी फिल्में बनी हुई है यहाँ की। हाँ, रामगढ़ से बनती ही रहती है, आते रहते हैं यहाँ पे फिल्मों के लिए, और भी कई आते हैं बाहर के लोग, काफ़ी आते हैं देखने के लिए। अभी तो पानी नहीं है, पानी होता तो पब्लिक नहीं आती है यहाँ पे। चलो अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। तो अभी हम दोस्तों इस गुंबद के पास में चल रहे हैं, वहाँ से देखते हैं कैसा रामगढ़ बांध का नज़ारा दिखता है। ये जो रास्ता है ये जमवाई माता मंदिर की तरफ जाता है सीधा, और ये जो गुंबद है इस गुंबद के पास में जाने के लिए देखिए ये इस प्रकार से हो कि अपने को चलना पड़ेगा। तो अब देखो नज़ारा इस गुंबद का, बहुत ही शानदार नज़ारा। और ये रास्ता बना हुआ इस प्रकार से, और देखिए वो है वो मंदिर, जिस मंदिर का बंजारन फिल्म के अंदर सीन दिखाया गया है। तो अभी जैसा मेरे को उन अंकल जी से जानकारी मिली है कि जब इस बांध में पूरा पानी भरा हुआ रहता था तो ये मंदिर पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ रहता था, ओनली ऊपर जो लाइट है इसके ऊपर मतलब वो ही दिखाई देती थी, और ये मंदिर पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ रहता था। बाद में ही ये जब पानी ख़त्म हुआ तो ये मंदिर निकला है, जैसा कि मेरे को उन अंकल जी से जानकारी मिली है। ठीक है, और ये वो बांध की गुंबद देखिए, और ये इसके सामने ये गेट है, फिलहाल इसके ताला लगा हुआ है। चारों तरफ से एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ का। ये इस प्रकार से रेलिंग है, और ये देखो बांध का जो नज़ारा है ना, बेहद ही खूबसूरत। कितना बड़ा है ये बांध, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आप सोच सकते हैं कितना पानी इसके अंदर भरा हुआ रहता था। पूरे जयपुर को यहाँ रामगढ़ बांध से पानी सप्लाई होता था, तो आप सोच सकते हैं इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ रहता था। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से चार बड़ी बड़ी चक्रियाँ लगी हुई है, और इनसे शायद जैसे पानी को स्टार्ट करना स्टॉप करना होता होगा, ठीक है, इनको फिराने से। तो ये बड़ी बड़ी सी यहाँ पे चार ये चक्रियाँ लगी हुई है, और तेरी ये तो बिल्कुल हिलती भी नहीं है, जंग आ चुकी है शायद इनके। ठीक है, तो देख सकते हैं, और इधर का जो नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, चारों तरफ यहाँ पे इस प्रकार से पहाड़ी पहाड़ है, ये देखो। और इस रास्ते से हम यहाँ पे आए हैं, अभी थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं, और इस बांध का और भी नज़ारा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा आगे चल के। यहाँ पे देखिए ये एक चाय पानी की दुकान भी है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये जो रोड जा रही है जमवाई माता मंदिर की तरफ जा रही है, देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और जो रोड है ना देखिए किस प्रकार से है। रामगढ़ लॉज, तो इधर हम चलते हैं, इधर एक मंदिर है भगवान भैरवनाथ श्री हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। और ये देखिए ये है बांध को जिस प्रकार से मतलब जब पानी यहाँ पे भर जाता था तो पानी की निकासी के लिए ये
ये बने हुए हैं, ठीक है। पानी की निकासी के लिए मोरे बने हुए हैं, इनसे पानी को छोड़ा जाता था और ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ये देखो इधर भी, और देखो कितने खिजूर ही खिजूर के पेड़ यहाँ पे उग रहे हैं इन पहाड़ों के बीच में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये मंदिर है। तो इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है, देखो ये देखो कितनी ऊंची ऊंची ये दीवारें हैं, ये देखो। और ये देखो ये स्केल बना हुआ है और इससे देखा जाता था कि बांध में कितना पानी भरा हुआ है। तो ये स्केल इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ रहता है, जैसे कि हर बांध में रहता है ये सिस्टम, तो कि जैसे इतना पानी भरा हुआ है तो यहाँ से देख लिया जाता था, ठीक है। और ये ऊंची ऊंची दीवारें और ये पूरा रामगढ़ बांध का नज़ारा है जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बंजारन फिल्म की शूटिंग लोकेशन के साथ साथ रामगढ़ बांध भी विजिट करवाया। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई फिल्म शूटिंग लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।